अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम आपको सीख कबाब बनाने की तरकीब बताते हैं। बहुत ही मज़ेदार जूसी कबाब बनेंगे। बीफ के कबाब हैं, फ्राई पैन में बनाएंगे हम इनको। ये कबाबों का हम जो हमें अज्जा चाहिए हम बताते हैं आपको। हरा धनिया मैंने एक कटिंग करके आजकल फ्रीज़र में रखा हुआ है, गर्मियों में इसलिए इसका कलर थोड़ा सा इस तरह का होया हुआ है। और ये हरी मिर्च हैं 4-5 अदद, लहसुन छिला हुआ, अदरक, और एक लेमन है, और ये एक प्याज़ है, ये भी कटिंग करके हमने रखी हुई है। एक प्याज़ हमने फ्राई करके रखी हुई है। अब हम इन सब मसालों को ब्लेंडर में डालेंगे। इन सब को हमने पीसना है कीमे के साथ। ये पीस के इस तरह से हो गया है मसाला हमारा। ये हमने जो एक प्याज़ फ्राई करके रखी हुई थी वो भी इसके अंदर डाल के पीसनी है हमने। ये हमारे कुछ मसाले हैं, काली मिर्च पाउडर है 1 छोटा चम्मच, नमक 1 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/2 चम्मच, चाट मसाला 1/2 चम्मच, ज़ीरा पाउडर 1/2 चम्मच, और ये मोटी दड़ा मिर्च, और दरमियान में ये थोड़ा सा हमारा कचरी पाउडर है जिसे कीमे के गलाने के लिए हम यूज़ करेंगे। इसमें ये भी इसी मसाले में हम सारा एक साथ मिक्स कर देंगे। लेमन इसमें निचोड़ देंगे, 1 पूरा लीमू है, इसको अच्छे से निचोड़ेंगे इसके अंदर। और ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर है, और 2 चम्मच बेसन, ये भी इसके अंदर जाएगा। ये हमारे कबाब जुड़ने में मदद देगा। और ये 2 चम्मच दही है, 2 बड़े चम्मच हमने इसको छाननी में डाल के रख दिया था ताकि इसका जो पानी है वो इसमें से निकल जाए। ये दही भी हम इसके अंदर डालेंगे। इन सभी चीज़ों से कबाब बहुत जूसी मज़ेदार बनेंगे। ये 800 ग्राम कीमा है हमारा। ये अब हम सब कुछ इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इसमें मिक्स भी हो जाए और पिस भी जाए अच्छे से, इस तरह से हमने करना है। आपका ब्लेंडर चलता है तो इसमें इसे कर लें, वरना आप दोरी में भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से हमने इसको पीस लिया है, ये बहुत अच्छे से मेल्ट हो गया है। इस तरह से करके हम इसको फ्रीजर कर दें, फ्रिज में रखेंगे तकरीबन 1/2 घंटे के लिए। और फिर ये बनाने की तरकीब बताते हैं। ये मैं पेंसिलों के ऊपर बना रही हूँ, इसकी स्टिक मिलती भी है इस तरह से गोल। हमने इन्हें फ्राई पैन में बनाना है तो इसमें पेंसिल के साइज़ में ये सही रहेंगे। फ्राई पैन हमने चूल्हे पर रखा है, इसमें हम 2 से 3 चम्मच तेल डालेंगे। इसको अच्छी तरह से फैला के इसको गर्म होने देंगे। ये अच्छे से गर्म हो गया है,
और इसमें ये इस तरह से हम उठा उठा के सीखें रख देंगे। और अब चूल्हा इसका हम स्लो कर देंगे ताकि हल्की आंच पे ये पकती रहें। इनको ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हम घुमाते रहेंगे। ये देखें इस तरह से चारों तरफ से हमने इनको घुमा घुमा के ब्राउन करके सेकना है। हमारे पास ये बड़ी सीख भी है, इस पे भी हम बनाना आपको बता देते हैं। तो ये फ्राई पैन में तो आ नहीं सकती, ये ज़्यादातर अंगीठियों पे इस्तेमाल होती है, बड़ी लंबी होती हैं, इसमें लगा के रख दें। पर मैं इसमें भी आपको बनाने के ऐसे तरकीब बता देती हूँ। इस पे से हमें ये उतारना पड़ेगा, फिर फ्राई पैन में डालना होगा। इसको सेट करके अच्छे से पानी का हाथ लगा के हम इसको सेट करेंगे। अगर आपने फ्राई पैन में बनाने हैं तो सीखें, आपके पास इस साइज़ के हैं तो ठीक है, वरना पेंसिल बेस्ट है, अच्छी बनता है इनसे इस तरह से। अब ये ऐसे बन गया, इसको हमने उतारना पड़ेगा क्योंकि ये सीधी इसके अंदर रखी नहीं जा सकती थी। ये पानी का हाथ हम लगाएंगे, हाथ में पानी लगाएंगे हल्का सा, और इनको गरम गरम सीखों से इस तरह से उतार देंगे पेंसिलों के ऊपर। ये देखें नाज़रीन, हमारे बन के तैयार हो गए। हमने डिश आउट का करके आपको दिखा दिए हैं। नाज़रीन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।